बताएं किस क्वेश्चन की बात कर रहे हो? क्वेश्चन 16 लगाया है अर्णव जी, लगाया है क्वेश्चन? यस सर। हो गया तो याद नहीं, एक सेकंड चेक करता हूं। चेक मत करिए, उसके पहले तैयार होके बैठा करिए, तलवार वलवार लेकर के पूरा युद्ध हो गया, फिर तलवार ढूंढ रहे हैं, देखिए कहां। चलिए 16 की बात। 2.16 पे गोला लगा हुआ। अच्छा है, उसको मार्क किया हुआ नहीं किया वो? अरे यार, किसी ने किया है। जब ऐसा कोई बोल देता है तो हम डर जाते हैं, तो पूरी एनर्जी हमको खर्च कर। चलिए बात 2.16, जरा ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ें। एक बात सुन लीजिएगा, जिनके क्वेश्चन हो भी चुके हैं, क्योंकि एस एल अरोड़ा साहब ने सॉल्व किए बहुत सारे क्वेश्चन, हम देख रहे थे, कृपया लॉजिक पकड़ने की कोशिश करिएगा। हम पहले बताए जाए, सुंदारी बात नहीं आ रही है, क्योंकि एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी पूरी की पूरी बुक लॉजिक पर बेस्ड है। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? Yes. अच्छा तुम्हें मालूम। 16 क्वेश्चन जरा ध्यान से पढ़िए। हम पहले किताब तो देखिए कहाँ रखी है, एक मिनट बुक ले ले। हाँ 2.16, सावधान। क्वेश्चन कह रहा है कि शो दैट द नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड हैज अ डिसकंटिन्यूटी फ्रॉम वन साइड ऑफ चार्ज सरफेस टू अनदर गिवन बाय दिस E2-E1 एन कैप, वेयर एन कैप इज द, किताब की बड़ी है, जगह थोड़ी कम है, रुको जरा तैयारी कर लें। और एन कैप इज द यूनिट वेक्टर फ्रॉम साइड 1 to 2। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए। कह रहा है कि नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड हैज डिसकंटिन्यूटी फ्रॉम वन साइड ऑफ चार्ज सरफेस। देखिए, हमने एक सरफेस को, बहुत बहुत बड़े सरफेस को एक चार्ज दिया था, और उस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, याद है? अभी बनाइएगा नहीं। एक हमने बहुत बड़े सरफेस को चार्ज दिया था और उसको हमने इलेक्ट्रिक चार्ज दिया था इसमें, और उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था σ/2ε0, याद है? Yes, sir. आवाज आपकी कट रही है अभी, इसके पहले जो बोला। इसमें एक खास बात क्या थी, ये सिंगल सरफेस शीट थी। कैसी थी ये? बहुत पतली शीट थी, जो सिंगल सरफेस मान के हम चले, लेकिन हम प्रैक्टिकली जो शीट लेंगे उसमें सिंगल सरफेस नहीं होगा। जो चार्ज हम देंगे वो इधर भी बटेगा और इधर, दो दो सरफेस उसमें होंगे, मतलब प्रैक्टिकली इतनी पतली सरफेस हम नहीं ले सकते। तो हमने क्या किया, एक चार्ज शीट ले। देखो, इसके तरीके बहुत हो सकते हैं, किसी क्वेश्चन को लगाने के तरीके बहुत हो सकते हैं, ठीक है? मतलब हम कोई तरीका बता रहे हैं, उसके और भी तरीके हो सकते हैं। देखिए, ये हमने फिलहाल शीट ऐसी ली है, ये शीट है, ठीक है? और ये ऐसे आपको दिखाई पर, थोड़ा चौड़ी हम बनाएंगे ना, कि ये शीट आपको, तो ये हमने एक शीट ली है, ये एक्चुअली में शीट ऐसी, हम क्या बता रहे हैं, ये ऐसी शीट है, दो सर्फेस इसके हैं, हमने ऐसे रखा हुआ, ये आपको, और ये सर्फेस है 1 और ये सर्फेस है 2, है ना? और हमने इसको चार्ज दिया हुआ है, तो हमने कहा ये चार्ज दोनों सरफेस पे इसके बढ़ गया, ये ऐसे ऐसे बटा हुआ है, लेकिन दिखा हम ऐसे ऐसे रहे हैं, यहां पर दोनों तरफ चार्ज बट गया है। अच्छा, कंटिन्यूटी क्या कहती है? कंटिन्यूटी कहती है कहीं भी कोई कर्व ब्रेक ना हो। आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा कंटिन्यूटी, कि कहीं कोई सरफेस ब्रेक नहीं होना, है ना? अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर डायरेक्शन क्या होगी, प्लस से दूर, और यहां पर क्या होगी, प्लस से दूर। यहां पर हमने सरफेस टू के लिए E2 माना है और सरफेस इसके लिए E1 माना है। पहली बात तो देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से अपोजिट डायरेक्शन जा रहा है, यहां पर अपने आप डायरेक्शन चेंज कर दिया, वहां ब्रेक हो जाए, मतलब ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है, ये वाला पॉइंट, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में भागेगा, यानी यहां पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा हो जाएगा,
डिसकंटिन्यूस हो जाएगा, तो वहां से वो अपनी डायरेक्शन चेंज करने की कोशिश करेगा तो वहां पर वो ब्रेक हो जाएगा, डिसकंटिन्यूस। तो डिसकंटिन्यूटी होगी तो अपने आप करेंगे क्योंकि यहाँ पर डायरेक्शन चेंज कर लिया उसने, मतलब लगातार एक ही कहीं बिना ब्रेक के वो चलेगा तो वो कंटिन्यूस माना जाएगा। तो डिसकंटिन्यूस तो हो गया, ठीक है। अब आगे क्या बोल रहा है, अच्छा एन कैप क्या कह रहा है, एन कैप इज यूनिट वेक्टर फ्रॉम साइड वन टू साइड टू, साइड वन से साइड टू की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर यह है। देखो साइड वन से टू बोला है, मतलब टू की तरफ, वन से टू, टू की तरफ अगर एन कैप लिखेंगे तो ये क्या होगा, माइनस एन कैप होगा। भाई आपका यूनिट वेक्टर क्या बोल रहे हैं, अब आप कहेंगे साहब सरफेस के नॉर्मल होता है यूनिट वेक्टर, नॉर्मल वेक्टर जो होता है, उन्होंने ऐसा बोला ही नहीं, उन्होंने कहा एन कैप जो यूनिट वेक्टर है वो फ्रॉम साइड टू, फ्रॉम साइड वन टू साइड, वन से टू की तरफ, लेकिन यहां जब दिखाओगे तो उल्टी डायरेक्शन में है तो आपका माइनस एन कैप हो जाएगा। तो ये डायग्राम क्लियर हुआ नहीं? यस सर। जब जब हम निकालेंगे इवन, तो इवन होता है सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन आर, किसी भी शीट के एक तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन होता है। हमने जो प्रूफ किया था इनफाइनाइट शीट के लिए तो हमने उस शीट को सिंगल सरफेस शीट मानी, लेकिन प्रैक्टिकली सिंगल सरफेस शीट पॉसिबल नहीं है जो प्रैक्टिकल हम ले सकते, हमारे पास सरफेस दो ही होंगे वहां, ठीक है, इतनी पतली शीट नहीं हो सकती है कि उसमें कोई सिंगल सरफेस। तो ये होगा सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, और इवन की डायरेक्शन किधर है, इधर की तरफ। तो जब हम किसी को वेक्टर मेथड से लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे, और यूनिट वेक्टर क्या है, माइनस एन कैप, तो माइनस एन कैप, ये इवन आ गया वेक्टर। और जब ई टू वेक्टर निकालेंगे तो सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट प्लस एन कैप हो जाएगा। आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, आपको वैल्यू निकालनी है ई टू माइनस इवन इंटू एन कैप निकालनी, ठीक है। देखिए और निकालना क्या है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, डॉट लिखा हुआ है, जरा वैल्यू रखो इवन की, ई टू की वैल्यू क्या है, सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट एन कैप माइनस माइनस सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट एन कैप डॉट एन कैप। जब ब्रैकेट खोलोगे तो सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, और एन कैप बाहर जाएगा और एन कैप डॉट एन कैप वन, आई कैप डॉट आई कैप, एन कैप इज ए यूनिट वेक्टर, और किसी यूनिट सेम यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, वन होता है। अरे भाई आपने 11th में आई डॉट आई पढ़ा है ना, वन मॉड आई कॉस जीरो, नहीं याद आ रही, नहीं याद, बहुत देर में याद आया। तो इसको जोड़ो क्या आएगा, सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन। तो पहला पार्ट समझ में आया इसका, पहला पार्ट समझ में आया। अब दूसरा पार्ट देखिए, ये पहला पार्ट क्या आया है, ई टू माइनस इवन डॉट एन कैप, ये पहला पार्ट हो गया। आगे कह रहे हैं कि हेंस शो दैट जस्ट आउटसाइड अ कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज दिस। आपको याद होगा कि आउटसाइड कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड हमने बताया था, हमने एक उसमें क्या बनाया था, छोटी सी डिब्बी टाइप सिलेंडर बना के, याद है ना। तो आप क्या इसमें लिखेंगे, आपको याद होगा ऐसे थोड़ी लिखेंगे। देखो हेंस वाला पार्ट में आपको बता दूं, जस्ट सावधान, अगर हमसे शीट की बात नहीं करें, कंडक्टर की बात करें, अगर मैं कंडक्टर की बात करूंगा तो कंडक्टर को जो चार्ज आप देते हैं उसके सरफेस पे बढ़ जाता है, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, जीरो। तो उसे E1 लिखे या E2 लिखे, देखिए दो चीजें हैं, हम कंडक्ट एक इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर E1 मानेंगे और एक E2 बाहर मानेंगे। तो हमने E1 क्या मान लिया, अंदर जीरो, तो बाहर क्या होगा, बाहर केवल इलेक्ट्रिक फील्ड E2 होगा, E2 मान लो या इसको E मान लो, ठीक है। तो यानी प्रूफ क्या करना है आपको, जस्ट आउटसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। तो आप जब यहां पर एक मिनट, एक गलत वो गलत वही मैं देख रहा था गलत। तो यहां पर अगर E1 को जीरो करेंगे तो E2 की वैल्यू क्या होगी, E2 कहो या E कहो जो भी आपको, तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन होगी, नहीं होगी, समझ में आई बात नहीं आई,
अब आपने कहा E2 क्यों माना भाई साहब, E2 को जीरो करो, इसको E2 मान लो तो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। देखो एक्चुअली जिस डायरेक्शन में E2 है उसी डायरेक्शन में N है, जिस डायरेक्शन में E2 है उसी डायरेक्शन में N है, इसीलिए मैंने E1 को जीरो माना है, ठीक। और अगर यहाँ आप E2 को जीरो मानते हो तो माइनस से कोई मतलब नहीं, उसका मैग्नीट्यूड आपसे पूछ रहा है, वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट ही होगा। तो इसका सेकंड पार्ट समझ में आ गया, पकड़ते जाइएगा। सर एक बार फिर समझा दो सेकंड पार्ट। देखिए ये कंडक्टर है और कह रहे हैं कंडक्टर के बहुत नजदीक इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, ये हमने डेरिवेशन कराया है। बहुत नजदीक हमने एक सिलेंडर खींचा था ऐसे, गॉसियन थ्योरम लगाया था याद है, लेकिन उन्होंने हेंस लगाया हुआ है। हेंस का मतलब क्या होता है कि आपने जो डिराइव किया है ना इसकी मदद से प्रूव करो। तो आप कहेंगे कंडक्टर में दो दो जगह इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, अंदर जीरो और बाहर E2। तो हमने E1 को यहाँ जीरो कर दिया और E2 का मान निकाल लिया, तो E2 के लिए क्या आएगी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। समझ में आ गया? यस सर। हमसे हेंस बोला है तो हमको इस प्रूफ का यूज करना। अब मान लिया आपने ये वाला जो प्रूफ कराया था वो कर दीजिए प्रूफ, नहीं भैया वो नहीं कह रहे हैं, आपको इसकी हेल्प से प्रूफ, तो यहीं पर जीरो करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा इसके बाद जो आपका सेकेंड पार्ट है थोड़ा सा टेक्निकल है, पहले इसको करिए फिर सेकेंड पार्ट पर। हमें मालूम था पहले यही क्वेश्चन आप पूछे, क्योंकि 2.16 की लैंग्वेज बड़ी अजीब थी ना, और जिसने लगा लिया 2.16 और सच में लगा लिया अच्छी बात है, और जिसने उतार लिया वो उसको दिक्कत करेगा। ये करिए फिर सेकंड पार्ट बता। अर्णव साहब फिजिक्स में आनंद आ रहा है? यस सर। अरे आनंद कोई डांस वांस थोड़ी है कोई, अब जो कहीं आनंद आता है इस आखिरी क्लास में बहुत आनंद आता है। अच्छा हम ही मिले थे तुमको, यहाँ तो बच्चे सोया करते हैं उनको जगाना पड़ता है, जो ऑफलाइन में कुछ बच्चे आते हैं। अच्छा इलेवेंथ उन लोगों ने पढ़ा नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं पढ़ा, कुछ नहीं आता है मतलब पढ़ा ही नहीं, तो क्या किया जाए, चलिए किसी की क्लास में आनंद ऐसा तो नहीं आता कि आनंद ही क्यों लेते हैं, नंद के आनंद हुए जय कन्हैया लाल। हाँ जी रब करें। यस सर। सेकंड पार्ट भाई थोड़ा टेक्निकल है, समझ में आए तो जयराम जी की, ना समझ में आए तो जयराम जी, समझे? थोड़ा सा टेक्निकल है, जरा समझने की कोशिश करो, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। कह रहा है कि शो दैट द टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज कंटिन्यूअस फ्रॉम वन साइड ऑफ चार्ज सरफेस ऑफ अ कंडक्टर। क्या कह रहा है? द टेंजेंशियल कंपोनेंट, देखो आप चार्ज्ड वन साइड ऑफ चार्ज्ड सरफेस ऑफ, फिर से समझिए, शो दैट द टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज कंटिन्यूअस फ्रॉम वन साइड ऑफ अ चार्ज्ड सरफेस, अरे पूरा सेंटेंस ही गड़बड़ जाता है। So that the tangential component of electrostatic field is continuous from one side of a charged surface to other. देखो ध्यान से, ये एक charged, अभी बनाइएगा नहीं, ऐसे बनाएंगे नहीं, किसी और method से बनाएंगे। ये एक charged जो है conductor तो बोला नहीं उन्होंने, charged surface है, ठीक है। तो इसमें हर जगह electric field होगा, ऐसे अब देखिए, अब बिल्कुल नॉर्मल ऐसे होगा हम नहीं कह सकते, तो सरफेस हमने उत्पड़ंग बनाया हुआ अमीबा की तरह, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इस सरफेस के नॉर्मल है, तो ये जरूरी नहीं है कि ये इस बोर्ड के नॉर्मल, ठीक है। तो अगर ये सरफेस इस ये जो बोर्ड है, अगर ये जो सरफेस आपने बनाया इससे अगर थीटा एंगल बनाए तो इसका ये कॉम्पोनेंट होगा ई कॉस थीटा और ये कॉम्पोनेंट होगा ई साइन थीटा। समझ में आ रही बात नहीं है? जब यहां पे आएंगे तो ये कंपोनेंट फिर ये ई कॉस थीटा आएगा, यहां पे आएंगे तो फिर ई, तो ये कह रहे जो ये कॉस कंपोनेंट है ना जो इससे टेंजेंट से मिला हुआ ये कंटिन्यूअस है, ये आपको कहना है। समझ नहीं बात नहीं, ये जो टेंजेंशियल कंपोनेंट है, टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज कंटिन्यूअस फ्रॉम वन साइड ऑफ द चार्ज सरफेस टू अदर,
ये कंटिन्यूअस है, चाहे आप बाहर साइड से देखो चाहे अंदर साइड से देखो। समझ में आ रहा है क्या कह रहा है? उन्होंने कंडक्टर नहीं बोला, इसलिए मैं चार्ज को बिल्कुल बाहर रिसाइड नहीं करूंगा। तो इसको प्रूफ करने का तरीका समझिए, कैसे प्रूफ किया जाए, थोड़ा टेक्निकल है। देखिएगा, हमने एक सरफेस माना, ये उटपटांग भी होता है, ये उटपटांग भी हो सकता है, हमने अपनी कन्वीनियंस के लिए इसको माना, ठीक है। अब यहां पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, और ये सरफेस आपका, मान लीजिए ये चार्ज आपने इसको दिया, इसको कई तरीके से थ्योरेटिकल भी इसका प्रूफ है, थ्योरेटिकल भी आप कर सकते हैं। इस सरफेस को आप एक इलेक्ट्रिक फील्ड दिखा दो, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ऐसे होगा ना इलेक्ट्रिक, क्यों या ऐसे होगा, वैसे नहीं बना सकते ना हम। एक मिनट, एक्चुअली में दिक्कत है ना कि एसएल अरोड़ा साहब ने डायग्राम बना दिया है, अब वो नजर सामने पड़ जाता है, दिक्कत करता है। ये एक सरफेस है और इसको आपने इसमें चार्ज दे रखा, कोई भी चार्ज है, चार्ज नहीं बनता, हमने ऐसे बना दिया है चार्ज, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा किसी डायरेक्शन में। अगर इसको हम ऐसे बबलिंग टाइप का बना दे तो ज्यादा ठीक रहेगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इधर, और इसका टेंजेंशियल कंपोनेंट क्या होगा, ई कॉस थीटा, और वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा, ई साइन थीटा। इसी प्रकार से यहां पर कहीं इस सरफेस को बंद कर दो, इस सरफेस को ऐसे क्लोज कर दो, इसको समझ में नहीं आ रहा इसको कैसे बताया, इसको भी छोड़ दो, नेक्स्ट डे बताए, ठीक है। एक्चुअली मैं डायग्राम सामने रखा तो कम नहीं आ रहा, और कुछ पूछे उसके बाद में। 17th हो गया, यस सर, 17th चार दिन चाहिए, अच्छा तो सेम है। 18th क्वेश्चन जरा पढ़िए क्या है, अर्णव साहब ये वाला क्वेश्चन जरा हम बाद में बताएंगे, ठीक है। इसका डायग्राम एक्चुअली में जो किताब में बना हुआ है ये थोड़ा कंफ्यूज कर रहा है। 2.18 प्लस 0.02 चलेगा। तो पहला वाला तो ए पार्ट तो इजी है, सी में बस थोड़ी प्रॉब्लम। मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं, पहले समझिएगा। कहते हैं इन अ हाइड्रोजन एटम द इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आर बाउंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.53 एंगस्ट्रॉम, यानी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो है इतनी डिस्टेंस पर ये बाउंड है, ठीक है। तो यानी कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये प्रोटॉन है न्यूक्लियस में, और इसके चारों ओर एक इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है ये, ठीक है। तो एक का चार्ज Q1 है, दैट इज प्लस 1.6 इनटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम, और एक का चार्ज Q2 है माइनस 1.6 इनटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम, और ये कितनी दूर पे है, ये कह रहे हैं 0.53 एंगस्ट्रॉम पे है, 0.53 एंगस्ट्रॉम बोले तो 10 पावर माइनस 10 मीटर। तो आपसे कह ये रहे हैं कि एस्टिमेट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड टेकिंग द जीरो ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एट इनफाइनाइट सेपरेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम प्रोटॉन। इस सेंटेंस का मतलब बताइए, इस सेंटेंस का मतलब बताइए। कहा गया है एस्टिमेट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट टेकिंग द जीरो ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एट इनफाइनाइट सेपरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम प्रोटॉन। इसका मतलब बताएं, इनफाइनाइट पॉइंट पे पोटेंशियल जो है जीरो है, मतलब वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन क्यों बोला उन्होंने आपको, पोटेंशियल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या बताया गया? नहीं नहीं वो अलग है, क्योंकि अगर इस पॉइंट को आप नहीं समझोगे ना तो अगला पार्ट तभी कंफ्यूज कर रहा, क्योंकि इस पॉइंट को आपने समझा नहीं। तो जैसे जब इनफिनिट सेपरेशन होगा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का तब पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगा, ये कहना चाह रहे हैं। पोटेंशियल एनर्जी का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन क्या बताइए, कि दो चार्जे अगर इन्फिनिटी में रखे हुए, इन्फिनिटी बोले तो वहां पोटेंशियल कितना है, जीरो। तो दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं, नहीं लगा रहे सर। तो आप जब दोनों को नजदीक लाओगे और एक सिस्टम फॉर्म करोगे तो दोनों को क्या करेंगे, या तो अट्रैक्ट करेंगे या तो रिपेल करेंगे। अगर ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है क्या कर रहे हैं, किसे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। अब इलेक्ट्रॉन 0.53 एंगस्ट्रॉम दूर आके रुक गया, प्रोटॉन क्या कर रहा है, इसको अट्रैक्ट कर रहा है, और इलेक्ट्रॉन वही रुका हुआ, हम तो आएंगे नहीं। तो इलेक्ट्रॉन को अपनी पोजीशन मेंटेन रखने के लिए क्या करना पड़ेगा,
वर्क करना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन पहले कहां था? इन्फिनिटी पे, जहां पोटेंशियल कितना था? जीरो था। ये माना गया कि इन्फिनिटी पे जहां पर जहां से इलेक्ट्रॉन आया है वहां पोटेंशियल उसका जीरो है, और वहां से आर डिस्टेंस पे लाया गया। तो आर डिस्टेंस पे आने के बाद आने में जो उसको वर्क करना पड़ा और वहां पर मेंटेन रहने के लिए, तो टोटल जो एनर्जी उसकी है वही उसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होती है। बात समझ आई? समझ आ रही बात नहीं आ रही है? तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? यू इज़ 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 अपॉन r। तो इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। लॉजिक पकड़ने की कोशिश करिएगा नो साहब, ठीक है? यस सर। इसकी वैल्यू जब निकालेंगे, हम निकाल नहीं रहे, इसकी वैल्यू आएगी इसमें जूल में, और जो भी वैल्यू आएगी तो इसको k लिखे दे रहे हैं, तो के q1 q2 अपॉन r जो भी वैल्यू आएगी इसको 1.6 × 10⁻¹⁹ डिवाइड कर दोगे, इसको कैलकुलेट न करिएगा, तो इससे डिवाइड करोगे तो एक चीज कैंसिल हो जाएगी, तो ये काहे निकल आएगी? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगी? इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जिसकी वैल्यू जो बुक में लिखी है वो है -27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतनी उसकी पोटेंशियल एनर्जी है। बात समझ आई? यस सर। अच्छा, फिर क्या कह रहे हैं? ये तो पहला पार्ट हो गया। सेकंड कह रहे हैं, व्हाट इज द मिनिमम वर्क रिक्वायर्ड टू फ्री द इलेक्ट्रॉन गिवन दैट इट्स काइनेटिक एनर्जी इन ऑर्बिट इज हाफ ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। देखो ध्यान से, पहले इलेक्ट्रॉन कहां था? देखिए, फ्री का मतलब क्या हो? आप किसी के साथ अटैच्ड हैं, आप अपने पेरेंट्स के साथ अटैच्ड हैं और आप फ्री होना चाहते हैं। आप फ्री होकर घर से बाहर चले, घर के बाहर, गेट के बाहर, तो गेट के बाहर मम्मी नहीं अटैच करेंगे? आप अटैच करेंगे नहीं करेंगे? नो सर। हैं? नहीं करेंगे? यस सर। अब अभी शिकायत करूंगा, फोन करके बता रहे हो, गेट के बाहर नहीं करेंगे अटैच। कहां नहीं अटैच करेंगे? जहां पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, है ना? तो यानी कि ये अगर फ्री होना चाहता है तो इसको वहां जाना पड़ेगा, कहां, जहां से आया था, क्योंकि कहां पे था? वो इन्फिनिटी पे था, ये वहां जाना पड़ेगा। तो हमें इसको इतनी एनर्जी दे दें कि इसकी एनर्जी जीरो हो जाए। जब एनर्जी जीरो हो जाती है तो वो कहां पहुंच जाता है? इन्फिनिटी पे। समझ आ रही बात? तो अब देखो, ये जब यहां पर घूम रहा था उसके पास इतनी पोटेंशियल एनर्जी थी, और घूम रहा था तो काइनेटिक एनर्जी भी थी, और उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है? कह रहे काइनेटिक एनर्जी उसकी है हाफ ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी, यानी हाफ इनटू 27.2। इस माइनस से कोई मतलब नहीं है क्योंकि काइनेटिक का माइनस से कोई लेना नहीं। तो ये कितना आएगा? 2 × 1 = 6 × 2 = 12 13.6 काइनेटिक एनर्जी है। तो टोटल एनर्जी उसके पास कितनी है? -27.2 + 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। टोटल एनर्जी उसके पास है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतनी एनर्जी है ना उसके पास? यस सर। ये माइनस एनर्जी क्या कर रही है? अटैच कर रही है ना? तो आप जब उसकी एनर्जी जीरो कर दोगे, अच्छा ये जब इन्फिनिटी पे था इलेक्ट्रॉन तो एनर्जी कितनी थी? जब ये इलेक्ट्रॉन इनफाइनाइट पे था तो एनर्जी कितनी थी? जीरो। तो यानी अगर इसकी एनर्जी जीरो कर दी जाए तो ये इनफाइनाइट में पहुंच जाएगा। सही कह रहा हूं मैं? नहीं कह रहा हूं। तो आपसे कह रहा है कि व्हाट इज मिनिमम वर्क रिक्वायर्ड टू फ्री द इलेक्ट्रॉन गिवन दैट काइनेटिक एनर्जी दिस। तो मिनिमम वर्क कितना आपको करना पड़ेगा? आपको मिनिमम इतनी एनर्जी प्लस में देनी पड़ेगी। तो जो आपको मिनिमम वर्क करना पड़ेगा, एनर्जी कैसे दोगे? इसकी जेब में जाके थोड़ी जेब में डाल दोगे बेटा, लो 50 रुपए चले जाओ। इसको बाहर से हिट करोगे ना, वर्क करोगे, तो कितना वर्क करना पड़ेगा आपको? +13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसको एनर्जी देनी पड़ेगी, वर्क मिनिमम मिनिमम। तो इतना दे, इसे ज्यादा दे दोगे तो अच्छी बात है और दूर चला जाएगा, कम से कम इतना एनर्जी देनी पड़ेगी, उसकी एनर्जी जीरो करनी पड़ेगी तो जाके इन्फिनिटी में पहुंच जाएगा। समझ आई बात? सर एक बार, सर टोटल एनर्जी -13.6 है सर, ये इंटरनल और इसमें क्या डिफरेंस क्या है? किसमें? इसमें? हां, इसमें और टोटल एनर्जी में। अगर -13.6 इलेक्ट्रॉन एनर्जी है और आपने प्लस में उसको दे दिया, इसका मतलब क्या होता है? उसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी? देखिए उसको प्रैक्टिकली समझिएगा, माइनस एनर्जी क्या इंडिकेट करती है?
मतलब वो न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्शन हो रहा है। हाँ, अट्रैक्शन। और प्लस का मतलब मैं उसको डिटैच कर रहा हूँ। यस सर। तो डिटैच कब कर सकता हूँ? जब उसकी एनर्जी जीरो कर दूं। यस सर। भाई डिटैच कब कर सकता हूँ? या तो जीरो कर दूं या जीरो से अधिक कर दूं, तभी चला जाएगा ना भाई। आप अगर प्लस कर दोगे तो एनर्जी जीरो हो जाएगी, और जब एनर्जी जीरो हो जाएगी तो वो इनफाइनाइट पहुंच जाएगा जहां से आया था, तो अपने न्यूक्लियस से डिटैच हो जाएगा। समझ में आ रही बात? यस सर। ठीक है, अब ये पार्ट नोट करें, फिर थर्ड पार्ट की बारे में बात करें। थर्ड पार्ट अपने आप करें, बताएं। जैसे आपने कहा कि पोटेंशियल वो जीरो थी, तो इनफिनिटी पे तो क्या पोजीशन चेंज होती है? वो ऑर्बिट छोड़ के चला जाएगा, वो ऑर्बिट छोड़ के चला जाएगा, नहीं समझे? अच्छा ओके, गेट इट। भाई आप न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, न्यूक्लियस को अट्रैक्ट कर रहा है। हमने कहा चलो तुमको घुमा लाए, बोले नहीं पापा डांटेंगे, पापा से अट्रैक्शन है। अरे चलो तुमको मोटरसाइकिल से घुमा लाए, अरे पापा डांटेंगे। चलो तुमको फरारी से घुमा लाए, बोले पापा के सीधे जा रहे हैं, चले गए अपने न्यूक्लियस। पापा को फोन कर रहे हैं, कहाँ कहना है साहब, नहीं लौट के हमको फरारी से घूमना। तो इसको हमने इतनी एनर्जी दे दी है कि अपने न्यूक्लियस के से वो डिटैच हो गया। समझ आ रही बात नहीं आ रही है? यस। नेचर में भी ऐसा होता है, ठीक है। जब दोस्त कहते हैं चलो बर्थडे है चलना है, तो पहले नहीं जाते हैं, फिर जब लालच देते हैं कि आज उस होटल चलेंगे, वाह क्या खाएंगे, तो चले जाते हैं लोग। तो इतनी एनर्जी दे दी जाती है कि वो अट्रैक्शन कैसी कैसी लोग चले जाते हैं। समझ में आ रही बात नहीं यार, ये ना लिखिएगा एग्जाम। थर्ड पार्ट जरा पढ़िए, यानी कि आपको किसी भी इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस से डिटैच करने के लिए आपको इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जीरो करनी पड़ेगी। तो कम से कम इतनी एनर्जी प्लस में दोगे, ज्यादा दो तो अच्छी बात है और दूर चला जाएगी। समझ आ रही बात नहीं आ रही है? ये मिनिमम एनर्जी इतनी आपको देनी, मिनिमम वर्क रिक्वायर्ड। थर्ड पार्ट कह जरा क्या कह रहा है? थर्ड कह रहा है, कौन सा क्वेश्चन नंबर है? 2.18। अरे थर्ड पार्ट ये कह रहा है कि व्हाट आर द आंसर्स इज फर्स्ट एंड सेकंड अबव इफ द जीरो पोटेंशियल एनर्जी इज टेकन एट 1.06 एंगस्ट्रॉम सेपरेशन। पहले इस सेंटेंस का मतलब समझिएगा, देखो ध्यान से। पहले पार्ट में पहले वो कहां था इलेक्ट्रॉन? पहले वो था इनिशियल स्टेट, उसकी थी U1, जहां उसकी एनर्जी कितनी थी? जीरो, है ना। और जब वो दौड़ते हुए नजदीक आ रहा था तो इसका अट्रैक्शन फोर्स उसके ऊपर लग रहा था, तो जब वो यहां पर R एंगस्ट्रॉम पे आ गया तो उसकी एनर्जी कितनी हो गई? U2। तो चेंज कितना हुआ? फाइनल माइनस इनिशियल, और इनिशियल थी जीरो और फाइनल थी ये। समझ आ रही बात नहीं आ रही है? एक तरीके से U2 थी ये एनर्जी, U2 थी। तो जो आपने टोटल एनर्जी हुई उसको U2 माइनस U1 कर दिया, यही वैल्यू निकली है। समझ आ रही बात नहीं आ रही? क्योंकि आपकी इनिशियल पोजीशन इंफिनिटी में थी, जहां उसको जीरो एनर्जी माना गया। ये पॉइंट पहले पार्ट का पकड़ में आया था कि नहीं आया सर? यस सर, इंफिनिटी पे जीरो है और सर बाद में यहां पर आया है हुआ। यस सर। तो चेंज कितना हुआ? जितना चेंज हुआ उतना वर्क किया आपने। यस सर। और जितना वर्क किया उतनी उसकी एनर्जी स्टोर है उसके पास। ऐसा तो है नहीं कि वो जब यहां पर आया था उसके ऊपर फोर्स लगना शुरू नहीं हुआ होगा। भाई जब यहां पे आया होगा तब से वर्क भाई इन्फिनिटी पे था, जैसे उसने चलना शुरू किया होगा न्यूक्लियस के पास, न्यूक्लियस का अट्रैक्शन उसको लगने लगा होगा ना। यस सर। और अल्टीमेटली आप इसको यहाँ आके रोके हैं ना, तो आपने यहां से यहां तक लाने में वर्क किया या वर्क ऑब्टेन हुआ, जो भी हुआ, तो वर्क जो होगा वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगा नहीं होगा। तो थर्ड पार्ट आपसे क्या कह रहा है देखो, थर्ड पार्ट की लैंग्वेज समझिएगा। Q1 Q2 यही है। थर्ड पार्ट ये कह रहा है कि what are the answers to first and second above if the zero of the potential energy is taken is 1.06 angstrom separation। मतलब देखिए, जो इलेक्ट्रॉन यहां था ना वो पहले कहां था? पहले यहां R1 पे आया, पहले यहां कहीं था, कितनी दूरी पे था? 1.06 angstrom पे था। समझ आई बात? ये इन्फिनिटी पे नहीं था, यहां पर जीरो पोटेंशियल मान, मतलब जीरो एनर्जी उसकी यहां मानी गई। ठीक है, तो अब यहां से यहां इसको लेके आओगे तो वर्क कितना पड़ेगा? वर्क कितना करना पड़ेगा? जितना वर्क करना पड़ेगा वही वर्क उसकी पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा।
और वर्क क्या होता है, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल माइनस सॉरी हाँ फाइनल अरे क्या बोल रहा हूं फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल में आप कहां थे, यहां है ना, यहां पे, और इनिशियल आप कहां थे, वहां थे। तो फाइनल क्या होगा, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन क्यू टू अपॉन आर टू माइनस 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन क्यू टू अपॉन आर वन। पॉइंट पकड़ में आया सर, उल्टा नहीं होना चाहिए क्योंकि फाइनल आर वन होना चाहिए। हमने हमने अभी चार नहीं रखा भाई साहब, जब आप चार रखोगे तो साइन चेंज हो जाएगा। नहीं 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 मैं कह रहा हूँ फाइनल जो है वो आर वन नहीं होना चाहिए। हाँ हाँ ठीक, जब वैल्यू रखोगे तो ये साइन प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, यस सर पलट जाएगी वैल्यू। ठीक है तो ये एनर्जी निकल आएगी। अब जो एनर्जी इसकी आएगी यहाँ पर, ठीक है, उतनी ही आपको प्लस में उसकी जीरो करने के लिए जितनी एनर्जी दोगे तो फिर वही पहुंच जाएगा जहां से आया था। समझारी बनी आ रही है, इस पोजीशन में जो भी उसकी एनर्जी है उतनी ही आप दे दो प्लस में तो जहां से आया था वहां पहुंच जाएगा। तो लैंग्वेज पकड़ में आई, ये आर टू का मतलब क्या होता है फिर हम बता दें, एनसीईआरटी की लैंग्वेज पकड़िएगा, पहले हम बता दें। ठीक है और बताएं अर्णव साहब, बात समझ आ रही है, बस यही कैलकुलेट करना है, ये कैलकुलेट करना है और फिर आपको करना है कि इसको डिटैच करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए। तो जितनी एनर्जी उसकी आई हुई है उतनी ही प्लस में दे दीजिएगा। ओके सर, जितनी एनर्जी है उतनी प्लस में दे दीजिएगा, उसकी एनर्जी जीरो कर दीजिए। जीरो कर दोगे तो अपने आप जहां से आया था वहीं चली आएगी। सर मुझे इस काइनेटिक सेकंड वाले में एक न्यूमेरिकल डाउट था, पोटेंशियल एनर्जी जो है बोर्ड पे जो लिखा है आपने, इधर पोटेंशियल एनर्जी -27.2 नहीं होना चाहिए, तो काइनेटिक एनर्जी माइनस काइनेटिक तो मैग्नीट्यूड माना जाता है, काइनेटिक का माइनस वो तो पोटेंशियल की पोटेंशियल भी माइनस इसलिए है कि अट्रैक्शन वहां हो रहा है। यस सर, भाई आपने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा होगा। Yes, जब हम ग्रेविटी में ऊपर से नीचे आते हैं तो हमको अगर कोई चीज अटेंड करती है, ठीक है, मतलब कहीं हमको जाना हो और अब हमको मालूम वहां जाना नहीं चाहते हो, जाना ही पड़ जाए तो हमको बड़ी मुश्किल में पैर बढ़ाएंगे, नहीं समझे, और हमको मालूम है कि कोई ऐसा हमको बुला रहा है, आ मेरे एपी, आजा मेरे एपी, अब एपी भागते हुए चले जा रहे हैं, पैर में कांटे लगे लेकिन भागते चले जा रहे हैं, तो क्या वर्क नहीं कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं लेकिन सामने अट्रैक्शन है तो वर्क क्या हो रहा है, वर्क हमको ऑप्टेन हो रहा है, वर्क उतना ही हो रहा है क्योंकि वर्क ऑप्टेन होता है तो निगेटिव होता है, बस ये माइनस का मतलब यही होता है, जो आप समझ बताते हो ना पोटेंशियल निगेटिव लिया जाएगा, निगेटिव लेने का मकसद क्यों यही है, जहां पर अट्रैक्शन होता है वहां पर वर्क ऑप्टेन होता है वो निगेटिव, ठीक है, लेकिन काइनेटिक थोड़ी माइनस लिखा जाए, तुम्हारा मतलब था जब पोटेंशियल लिखी तो माइनस में लिखी आप, नहीं वो साइन नहीं होता, उसमें साइन नहीं। अर्णव साहब बात समझ आई, यस सर, Arno means all the Arnos और all the क्या Pavnis, ये मतलब मेरा है। और बताएं क्या दिक्कत, 20 तक किसी को दिक्कत है, ध्यान से पढ़िए, फिर हम बता दें, सलूशन देखने के पहले 10 बार सोच लेना कि व्हाट द क्वेश्चन वर्ड्स, ठीक है, लॉजिक पकड़ने की कोशिश करिएगा, कोई दिक्कत 20 का सेकंड पार्ट में मेरा वो तो निकल आया, आंसर तो निकल आया, लेकिन उसमें पूछ रहे हैं रिजल्ट ऑब्टेन करके charge density on the sharp and pointed ends of a conductor is higher, ये कैसे approve करना, ये मुझे समझ नहीं आया। 20 और लोगों को आ गया, 20 question number सबने लगा लिया, अब कोई बोलेगा नहीं, पावनी लगा लिया, चेक अरे चेक करके आवाज नहीं आ रही, चलिए मैं बता रहा हूं, ये बढ़िया सी लैंग्वेज आपने पूछी, अर्णव साहब बताएं इसका, अर्णव साहब यस सर बताएं आंसर इसका, तो मैंने इस पे टिक मार्क मारा हुआ है। अच्छा जो तुमसे पूछ ले उसमें टिक मार्क मारते गलत मारे थे, 1920 में मारा हुआ था, 19 में भी टिक मारा हुआ है, बाद में शायद कर लिया हो बिकॉज़ इससे टिक मारा गोला नहीं मारा, वो होगा क्या होता है, देखो एक बात सुनिएगा, हमें क्वेश्चन आते हैं, हम जो अभी 19th लगा रहे थे बाई चांस नजर पड़ गई किताब के ऊपर, जहां पे मुझे कंफ्यूजन होता मैं रुक जाता हूँ, जब तक मैं क्लियर नहीं हूँ मैं उसको लॉजिकली थोड़ा पकड़ने की कोशिश करिए, 20 क्वेश्चन को लैंग्वेज समझिएगा,
लिखा है टू चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर्स ऑफ रेडियाई ए एंड बी आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाय अ वायर. अच्छा, व्हाट इज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ टू स्फीयर्स. इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो निकालना. देखो पहले को आपने चार्ज दिया Q1, तो पहले के सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E1 is equal to K Q1 upon A square. और दूसरे को चार्ज दिया Q2, अब आप कहेंगे सर चार्ज तो दिया नहीं गया. नहीं दिया गया, देखा जाएगा. दूसरे को चार्ज दिया Q2, तो दूसरे में हो गया K Q2 upon B square. तो एक्चुअली में इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो क्या होगा Q1 upon A square into Q2 upon B square, बोले तो Q1 upon Q2 into B square upon A square. यही तो होगा ना. हम वहां से स्टार्ट करेंगे जहां से मेरा रिक्वायरमेंट है. मेरी रिक्वायरमेंट E1 upon E2 की थी, मैंने निकाल लिया. अब क्या होगा, अब प्रॉब्लम है कि Q1 Q2 is not given. अब देखो आप जब चार्ज देते हो और उसकी कुछ कैपेसिटी होती है, कैपेसिटेंस होता है, तो उसका पोटेंशियल होता है. और जब उसको वायर से जोड़ देते हो तो चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है. और कब तक होता है, जब तक कि दोनों पोटेंशियल सेम ना हो जाए, है ना. तो उस पोटेंशियल सेम होने की कंडीशन में ही चार्ज हमने क्या माने Q1 और Q2. समझ आ रही बात. तो इसका मतलब Q1 अपान Q2 को लिखा जा सकता है C1 V अपान C2 V. सही कह रहा हूं मैं. Yes. अच्छा, तो C तो मालूम नहीं है, लेकिन जो स्फीयर है तो स्फीयरल की कैपेसिटी होती है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू a स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू b स्क्वायर. यानी ये आएगा a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर. बड़ा डिस्टरबेंस हो रहा है, क्या हो गया, हो रहा ना कुछ, किस पिच हो रहा. ऐसा लग रहा है कि बादल बहुत तेज से गरज रहे हो. ऐसा सबको लग रहा, नहीं लग रहा है. यस सर, गरज नहीं रहा है. गरज रहा है क्या, यानी ये कुछ गड़बड़ लिख दिया क्या, वैल्यू कुछ गड़बड़ लिख दी क्या. ये स्क्वायर नहीं होता भाई. हाँ हो, ए होता है ना. तो यानी ये हो गया ए अपान बी इंटू बी बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर. तो बी अपान ए हो गया. यानी E1 upon E2 is equal to B upon A. समझ में आई बात. चलिए आपको कैसे निकला A upon B, मैं बता दूं क्या ये. हाँ हाँ ये. अरे आपने स्फेरिकल कैपेसिटर कंडक्टर का कैपेसिटी का फॉर्मूला पढ़ा था 4 pi epsilon naught into A. यस सर. जहां मैंने एक फेरेड दिया था, उसने कहा था उसका रेडियस अर्थ की रेडियस का 150,000 गुना होना चाहिए, याद है. यस सर, यस सर. हां तो वो तो E1 upon E2 क्या आ गया, ये नोट कर लिया, नोट करिए, फिर हम बात करें. अब भी अपॉन ए. अब सेकंड पार्ट देखो क्या कह रहा है. सेकंड पार्ट कह रहा है, जरा सावधान, कह रहा है कि यूज द रिजल्ट ऑब्टेन टू एक्सप्लेन व्हाई चार्ज डेंसिटी. अब जरा चार्ज डेंसिटी की बात पहले ये नोट कर लीजिए, फिर हम बात. डन. चार्ज डेंसिटी की बात करें तो सिग्मा वन अपॉन सिग्मा टू होता है. सिग्मा वन क्या होता है, क्यू वन इंटू क्यू वन अपान ए वन पहले का एरिया और क्यू टू अपान ए टू दूसरे का एरिया. पकड़ते रहिएगा पॉइंट को. तो यानी कि क्यू वन अपान क्यू टू इंटू ए टू अपान ए वन. क्यू वन अपान क्यू टू क्या है, ए अपान बी. और ए टू क्या होगा, पाई बी स्क्वायर अपान पाई ए स्क्वायर. तो यानी कि सिग्मा वन अपान सिग्मा टू इज इक्वल टू बी अपान ए आएगा. आएगा ना. चार्ज डेंसिटी चार्ज पर यूनिट एरिया होता है ना. तो जब चार्ज डेंसिटी पहले स्फीयर का लिखेंगे तो पहले का चार्ज अपान पहले का एरिया और दूसरे का चार्ज अपान दूसरे का एरिया, दोनों का रेशियो निकालेंगे. तो Q1 अपान Q2 A अपान B निकला है और A2 अपान A1 पाई B स्क्वायर अपान पाई A स्क्वायर आएगा. तो सिग्मा 1 अपान सिग्मा 2 इज इक्वल टू B अपान A हो गया. इतना बताइए फिर आगे बढ़े हम. यस सर, आ गया. जब सिग्मा वन आप कर रहे हैं तो ए नीचे कर रहे हो, तो आप क्या देख रहे हैं,
कि चार्ज डेंसिटी प्रोपोर्शनेट द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस है। यस सर। चार्ज डेंसिटी क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस है। रेडियस का है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो आप अगर कोई भी इस प्रकार से ऐसे कोई भी सरफेस लेते हो तो जहां पर शार्प एंड होगा उसका रेडियस कम होता है और जहां पर एंड थोड़ा सा फ्लैट होगा उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा होता है। सेम डे तो जिसका रेडियस कम होगा उसकी चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी, जिसका रेडियस ज्यादा होगा उसकी डेंसिटी कम होगी, क्योंकि डेंसिटी रेडियस की इनवर्सली होती है। समझ में आ गई बात? तो आप लिखेंगे शार्प एंड की रेडियस कम होती है और जो आपका फ्लैट एंड होता है उसकी रेडियस ज्यादा होती है। भाई ये देखो ये सर्कल है, ये पूरा मत देखिएगा, ये तो ऐसे बनाइए क्यों इतना देखिएगा, ये सर्कल है। अगर सर्कल को की को सेंटर इसका होगा, जब मैं इसको फ्लैट करता जाऊंगा इसका सेंटर दूर जाता जाएगा और रेडियस बढ़ती जाएगी, नहीं बढ़ती जाएगी? यस सर। तो यानी कि शार्प एंड की रेडियस कम होगी और जो फ्लैट एंड होगा उसकी रेडियस ज्यादा होगी, और चूंकि चार्ज डेंसिटी रेडियस के इनवर्सली होती है तो इसलिए शार्प एंड का जो डेंसिटी होती है चार्ज की ज्यादा होती है और जो आपका फ्लैट एंड होता है वहां कम होती है। समझ आएगी बात? पॉइंट पकड़ में आ रहा ना? लॉजिक पकड़िएगा। पहले बार बार हम कह रहे हैं न्यूमेरिकल लगना है, अलग बात। 2.20 हो गया, और बताए बस 28 था। 28 पूछा इन्होंने, किसी को 25 तक कोई दिक्कत है? ईमानदारी से बोलिएगा लॉजिकली, किसी को 25 तक कोई दिक्कत है? दिक्कत है एक, दिक्कत है दो, दिक्कत है तीन, नहीं है पक्का? सभी गर्ल्स को कोई दिक्कत तो नहीं है? पावनी एंड सहेलीज, पावनी सहेलीज, अर्णव एंड अर्णव फ्रेंड्स, आशुतोष जी हैं? ये आशुतोष बार बार लेफ्ट करता कुछ, उसकी सर्वर दिक्कत है। 28 जिन्होंने पूछा है, उसके पहले किसी कुछ पूछना है? सर वो नेटवर्क की दिक्कत हो जाती है बीच बीच, हम समझ रहे हैं इस चीज को, जहां पर थोड़ा दिक्कत हो जाए करे तो आप बाद में डिस्कस कर लिया करिए हमसे, ठीक है? आशुतोष बोल रहे हो ना? यस सर। ओके आपका किस चीज का नेटवर्क ऐसे यूज करते हो? कौन सा यूज करते हो? वाईफाई है कि ऐसे है एयरटेल वगैरह? सर मैं वो डेटा से करता हूं। तो देख लीजिए थोड़ा सा, जहां दिक्कत हो वहां थोड़ा बहुत वीडियो भी सर रिकॉर्डिंग भेज देते हैं, वहां भी दिक्कत हो तो हमसे पर्सनली डिस्कस कर लिया, ठीक है? कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप व्हाट्सएप पे दिक्कत आप डिस्कस कर सकते हैं कि सर आपने ये बताया था, ये नहीं समझ में आया तो मैं उसको उसी तरीके से बता दूंगा, कहीं नुकसान ना हो आपका। 2.28 इन्होंने पूछा है, बताएं? कोई इसके पहले नहीं पूछना है? चलिए 2.28 बता दो। जरा सावधान, थोड़ा लॉजिकली पकड़िएगा, बोले बहुत सेंटेंस लॉजिकली पकड़िएगा, लॉजिकली पकड़िएगा, क्या है ये? देखो एक्चुअली ये लॉजिकल होते हैं, क्या क्या जरा समझिए। क्वेश्चन कह रहा है कि शो दैट The force on each plate of parallel plate capacitors has a magnitude of half Q into E, where Q is the charge on the capacitor and E is the magnitude of electric field between the plates. Explain the origin of the factor half. देखो सावधान, इसको कई तरीके से हम लगा सकते हैं। तरीका ये है कि भाई देखें, एक कैपेसिटर की एक प्लेट होती है, एक प्लेट होती है, और हम उसको चार्ज देते हैं प्लस क्यू, जो कि पूरी प्लेट में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। और इसके सामने हम एक प्लेट रखते हैं एक और इंडक्शन के द्वारा ये इसमें माइनस क्रिएट हो जाता है, और इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ई, जो प्लस से दूर माइनस की ओर होता है, ठीक है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से भाई? ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से? दोनों प्लेटों की वजह से है ना? यस सर। यानी कि पहली प्लेट भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगी E1 और दूसरी प्लेट भी करेगी E2। आपको याद होगा तो हमने एक गॉस थ्योरम में एक एक प्लेट की वजह से सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट किया था, याद है? Yes, मतलब दोनों के बीच में हमने प्रूफ किया था, दोनों को ऐड किया था, है ना? तो यानी कि एक्चुअली में ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड ई है ना, वो इन दोनों की वजह से है, नहीं है? तो यानी कि E1 और E2 दोनों चार्ज सेम है, तो E1 E2 की वैल्यू सेम होगी नहीं होगी?
होगी ना, होगी सर होगी। और ये टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड का आधा होगा नहीं होगा? यस भाई, इवन ई टू दो लोग मिलकर के इलेक्ट्रिक फील्ड ई बनाए हैं तो आधा ही आधा तो बनाएंगे, दोनों का चार्ज सेम है, सेपरेशन सेम है, एरिया सेम है, सेम है, तो दोनों के द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड वो इवन ई टू, तो मैंने डायरेक्शन की वजह से दिखाया है, प्लस से दूर माइनस की हो। ठीक है, अब आपसे कह क्या रहा है, ये बात पॉइंट पकड़ में आया? अब एक कह क्या रहा है, कह ये रहा है कि सो दैट द फोर्स ऑन ईच प्लेट, देखो पहला तरीका ये है, फर्स्ट तरीका मैं लेके चल रहा हूं, फर्स्ट तरीका, पहली प्लेट पे अगर फोर्स निकालें, फोर्स ऑन प्लेट वन, प्लेट वन को कौन खींच रहा है भाई, प्लेट वन को कौन खींच रहा है भाई, प्लेट वन क्यों खींच रही है, क्योंकि प्लेट वन पे चार्ज है, प्लेट वन पे चार्ज है कि नहीं है? तो हम जानते हैं किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई चार्ज क्यू होता है तो फोर्स कितना लगता है, क्यू इंटू ई। तो प्लेट वन पे जो फोर्स लग रहा है ना, उसको खींच कौन रहा है, उस पे चार्ज कितना है, क्यू, और खींच कौन रहा है, ये वाली प्लेट, और ये वाली प्लेट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, ई टू, तो एक्चुअली इसको ई टू खींच रहा है ना, और ई टू की वैल्यू क्या है, हाफ क्यू इंटू ई, तो यही हाफ यही से आया, समझ में बात नहीं आई? आप कहेंगे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज ई, बट दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज ड्यू टू बोथ प्लेट्स, एंड बोथ प्लेट विल हैव हाफ हाफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट्स व्हाई हाफ हैज कम हियर, समझ में आई बात? यस सर। पहला तरीका, पहले ये नोट करिए, आप रीजन लिख लेंगे ना, रीजन लिख लेंगे, नोट कर लिया। सेकेंड तरीका ये है इसका, ये हाफ वाली बात समझ आ गई ना, एक्सप्लेन कर लेंगे। सेकेंड तरीका ये है इसका कि देखो ये प्लेट रखी हुई है ना, इनके बीच का कुछ सेपरेशन है, इसमें कुछ प्लेट एरिया है, तो इसकी कुछ पोटेंशियल एनर्जी है, कितनी एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हाफ एप्सिलॉन नॉट इनटू ई स्क्वायर, ये एनर्जी है ना। तो अगर आप इस प्लेट को देखिए, अब ये खींच रहा है कैसे मालूम होगा, कोई आपको खींच रहा है कैसे मालूम होगा, आप थोड़ा डिस्प्लेस हो जाओ, अगर डिस्प्लेस होने में आपको वर्क करना पड़ा तो मान लीजिए आप पे फोर्स लग रहा है, सही बता रहा हूं, गलत बता रहा हूं भाई, हमारे ऊपर फोर्स लग रहा है, ये हम कैसे सिद्ध करेंगे, हम थोड़ा डिस्प्लेस हो जाए, अगर डिस्प्लेस होने में हमको वर्क करना पड़ा तो मान लीजिए हम पे फोर्स लग रहा है, लॉजिक पकड़ में आ रही ना, तो यानी अगर मैं इस सेकेंड प्लेट को थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दूं, कितना कर दूं, मैं इसको dx डिस्प्लेस कर दूं, तो हमको वर्क करना पड़ेगा, कितना करना पड़ेगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, इतने करना पड़ेगा ना, क्योंकि वाली प्लेट को एक खींच रही है, या इसको ये खींच रही है, किसी एक को खींच रही है, तो ये इतना वर्क करना पड़ेगा, ये वर्क किस क्या होगा, ये वर्क हमारी जो इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, लॉजिक पकड़ में आ रही सबको? यस सर। जब मैं इस प्लेट, अच्छा इस प्लेट को हमने खींचा है इतना, तो हमारी एनर्जी कितनी इंक्रीज हुई, यूनिट वॉल्यूम में जितनी थी इनटू जितना वॉल्यूम चेंज हुआ, वॉल्यूम चेंज हुआ ए इनटू डीएक्स, तो डीएक्स डीएक्स कट गया, तो एफ इज इक्वल टू क्या होगा, यूनिट वॉल्यूम का वो क्या होता है, हाफ एप्सिलॉन नॉट इनटू ई स्क्वायर इनटू ए। अब आपको इसमें क्यू के फॉर्म में इसको लाना है, अब आप उसको एडजस्ट करो कहीं से, क्योंकि आपको ये प्रूव करना है, तो आप बताओ यहाँ पर क्यू के फॉर्म में क्या दिया हुआ है, देखिए कहीं चार्ज कहीं घुसा हुआ है, चार्ज को ढूंढ के लाओ, यहाँ यहाँ चार्ज को ढूंढो, कहीं ढूंढ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, कहीं चार्ज ढूंढे में आ रहा है? Yes, sir. हमने E is equal to पढ़ा है सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, ठीक है, तो E into एप्सिलॉन नॉट को सिग्मा लिख सकते हो, तो ऐसा करें ना, हाफ एप्सिलॉन नॉट into E अलग कर दें और एक E अलग कर दें, ये सिग्मा लिखा हुआ है, तो हाफ सिग्मा into E into A हो गया, सिग्मा को क्या लिख सकते हैं, Q अपान ए,
इंटू ई इंटू ए हो गया, ए कट गया, हाफ क्यू इंटू ई हो गया, समझ आई बात नहीं आई? और हाफ को ऐसे एक्सप्लेन कर दीजिए आप कि इलेक्ट्रिक फील्ड हाफ क्यों आ रहा है, तो दोनों बातें समझ आ गई सभी को। ये 2.28 है, और कोई दिक्कत है? और कोई प्रॉब्लम किसी को है? अर्णव साहब हैं? गुस्सा गए क्या? अभी लेफ्ट हुए हैं, पर नोट कर लीजिए इसको, दोनों तरीके से नोट करिएगा, लेकिन एग्जाम में दोनों तरीके मत अडॉप्ट करिएगा, मैंने बता दिया है, क्योंकि आपकी बुक में जिस मेथड से लगाओ तो भी हो उसमें। किसी को और कोई क्वेश्चन पूछना है कि लगाया नहीं अभी, क्योंकि इसमें लास्ट के कुछ लॉजिकल क्वेश्चन से लास्ट के सारे लॉजिक नहीं तो लगाए हैं सर, लगाए अब ये नहीं कह सकते कि लॉजिक सही है, लॉजिक तो सही करना पड़ेगा। देखिए बिना लॉजिक के आप आंसर दोगे तो बात चलेगी नहीं, ठीक है? तो लॉजिक चूंकि आपके बुक में लिखा भी हुआ है, जैसे लरोड़ा में सॉल्व है, लेकिन लॉजिक अलग अलग है, तो वो समझना पड़ेगा। अब हमने पढ़ लिया, पढ़ा हाँ 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 ये बात, अरे वाह, तो एक अलग बात है, लेकिन फिर एग्जाम में दिक्कत पड़ेगा। इसके बाद किसी को कुछ पूछना है कि अभी एक क्लास और लेना, कोई गर्ल्स और नहीं पढ़ेगा क्या? अगले क्लास में डाउट होगा तो पूछ लेना। हाँ, अगर डाउट हो देखो फिर हम बता, जितने लॉजिक वाले क्वेश्चन खासतौर से 2.37 है ना, 2.37 एक है, उसमें कहा है कि ऊपर हाई वोल्टेज है और अर्थ के पास हम खड़े हुए हैं, तो बताओ हमको करंट लगेगा नहीं लगेगा। फिर कहा कि एक छत हमने स्टील की एक एल्युमिनियम की लगा दी और सुबह उसको छू लिया, तो बताओ करंट लगेगा नहीं लगेगा। तो कुछ ये लॉजिकल चीजें हैं जिनका अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, तो इन अंडरस्टैंडिंग वाले क्वेश्चंस को जबरदस्ती मत करिएगा, समझ के करिएगा। जिसको जो दिक्कत हो अगले क्लास में वो डिस्कस कर सकता है, और इसके बाद अगला टॉपिक स्टार्ट होगा। तब तक एक हफ्ते का समय आपको दिया जा रहा है करंट इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल लगाने के, एक हफ्ते का समय है, उसमें भी शायद कितने क्वेश्चन हैं, 30-35 क्वेश्चन होंगे, कितने क्वेश्चन हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी एग्जांपल्स भी लगा लीजिएगा। इसमें शायद 35 कम है, इसमें 23 क्वेश्चन, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी के क्वेश्चंस आपको दिए जा रहे हैं, यानी कि आज है सैटरडे, ट्यूसडे की क्लास में अगर इसमें कोई लॉजिकल दिक्कत होगी तो डिस्कस की जाएगी। सभी लोग सुन रहे ना? नहीं होगी, सभी लोग सुन रहे ना? कितने लोग हैं? हाँ सुन, यस सर। और अगर नहीं होगी तो हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आपके पास 1 वीक का समय है और 22 क्वेश्चन प्लस एग्जाम्पल एनसीईआरटी की, वो आप लगा के रखेंगे। नेक्स्ट वीक करंट इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल डिस्कस किए जाएंगे, नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक, मतलब अगला हफ्ता पढ़ाया जाएगा, ठीक है? ओके सर। वो मतलब समय आपको दे रहे हैं कि आप न्यूमेरिकल लगाएं, जबरदस्ती नहीं, थोड़ा सा समय देते हैं। ओके, थैंक यू एंड गुड नाइट। थैंक यू सर। गुड नाइट। यस सर।